ला कर दिखाओ, नीचे ला कर। सो गाइस, अच्छा ठंडी का बैग पहले है थे, लेकिन हम लोगों ने क्या कहते हैं वो बैग इस वजह से इनके एक्सचेंज किए क्योंकि असन की किताबें कापियाँ बहुत ज़्यादा थी उसमें, वो बहुत वजनी था बैग, तो इस वजह से फिर आज हम लोग गए हैं। तो हसन रानी का ये रानी उधर रख दो, आज हम लोग गए हैं तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग इनके बैग्स नहीं ले लें। तो ये हमारा राजू है, आज इतने दिनों बाद वीडियो हम लोग इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो राजू है, एक सेकेंड, हमारा जो राजू था ये बहुत ज़्यादा बीमार है, तो अभी भी इसकी तबीयत कोई ठीक नहीं हुई। अभी है कि काफ़ी थोड़ा सा पहले से तो काफ़ी बेहतर है। ये है रानी असन का बैग है, ये एक छोटा बैग है इसका, तीर थ्री नंबर का। हाँ जी बेटे, ये डायनासोर वाला है, ये है लेडी बर्ग, और ये है मिरेकुलस लेडी बर्ग वाला, और ये ये हसन का। हसन जब बैग ले चुका, हम लोग घर आ चुके, सब कुछ कर चुके, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि हसन का बैग है लाइट वाला, बड़े मजेदार टमाटर। ये मैंने भी जल्दी जल्दी अपनी चीजें भी बैग में डाल रही है। और ये आप देखे, असन की एक खिड़की टूट चुकी है एक, और ये देख सकते तो ये है कि हमारा जो राजू है ना, वो ऊपर से अंदर जाता है, दांत छोटा सा निकल। आपका दूध अगर गिरा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना बात। तो ये है कि बहुत ज्यादा हमारा राजू बीमार है, बड़ा बैग बहुत बड़ा है, और राजू के लिए सब दुआएं करना। अभी भी एक बात दादू, मेरा बैग अभी तक भारी है चिल्लाने से, बेशक आप दोनों का बैग भारी है। मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं, हमारे राजू को ये बैग बहुत पसंद आए हैं, ये चेक कर सकते हैं, इसको अभी भी खांसी है। असल वो खिड़की बंद कर दो, खिड़की मेरी खिड़की बंद की, खिड़की बंद करो। तो ये है राजू जो है हमारा लगाव है अभी भी बैग के साथ। ये अब साथ ये ज्योमेट्री बॉक्स भी, और ये हमने रूम ले लिया था, ये काफी साल पुराना हो गया है, ये साल ही इसकी साल नहीं, 6-7-8 माह पुराना, नहीं 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 6-7 माह का दिन, 4 माह पुराना है, 4 इतनी गर्मी में। मेरी बात नहीं, ये जो बैग है इसके अंदर हम लोग टिफिन डालते हैं खाने में, अगर टिफिन घूम जाए बैग में, वो 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 बैग और साथ में ये ना बैग में ना हमारा ना बुके डालते हैं जो इसके आगे वाली जगह है इसके अंदर टिफिन डालते हैं, क्योंकि और ये हमारी ये चीज होती है, ये जो से वो जो से ऐसे वाले बैग नहीं होते ना टेढ़े वाले, या इसकी ना ये अपने बैग के साइड हुए ना ये भी ऐसे खुले हुए, फिर ना अंदर आराम से डाल सकता है, फिर वरना नहीं हो सकता। और ये मेरा एक पुराना बैग था, वो वजनी था, वो तो हमने रख दिया क्योंकि जब बारिश आएगी वो अपना बैग ले जाएंगे, और ये गान में रख देंगे दो के, और जब आ सकते ना प्लस प्लस, तो आप ना इधर से कमेंट करके ना
200 ये होते हैं 200 है ना। कमेंट करके बताएं कि 200 200 होते हैं या क्या होता है, सबने सी बोला के गलत बोला। हाँ सही है, कमेंट करके अभी बताएंगे ना कैसे ने सही बोला के गलत बोला। गाइस मेरी बात सुने, अगर गाइस अगर ना डायनासोर या पेपर है मैम हमें समझ आ गई सबको, जो से बड़े छोटे हैं मैं जो से बड़े होंगे उनको जो से बड़े देख रहे हैं उनको तो टाइम बचा होगा तो वो देख ले खेलने कूदने में नहीं होए। सुबह सुबह हमारा फ्री टाइम है, लिखो पढ़ाई करो बड़े हो कुछ बनो। गाइस मेरी बात सुने, अगर मम्मा पापा की सब टीचरों की बात सुने, नीट होमवर्क करे सबकी बात सुने, अगर हमने बात नहीं सुनी कम काम भी करे हमला अगर उठा के सबके नीचे फेंके तो हम स्कूल जाते हैं, तो मैं जब हम चांद को ज्यादा देर देखते हैं तो हमारी नज़र भी कमजोर हो जाती है और मैम का जब बात ना सुने और हम लेट के लिखे तो हमारी नज़र इतनी ज्यादा कमजोर हो हमने ऐनक पहनी हुई तो इधर दर्द करो और ऐसे ऐसे किया मैंने तो एक ट्रिक सीख ली ऐसे ये और वो अपना आगे दिखाऊँ आपको वो उसको मैं ये जाता हूँ ये ऐसे ऐसे आप सोचते रहो रानी आप। गाइस मेरी बात ने अगर मम्मा ये बंद हो गया। गाइस अगर मम्मा पापा की अगर किसी को इतना बात सुने नाना नानू की चीज़ को नींद होमवर्क ना करे और साथ में मम्मा की बात ना सुने, मम्मा को मारे पापा को मारे नानों को निखालों को मारे तो इससे बैड हैबिट होती है, इसलिए मैं नीट होमवर्क करना चाहिए। बैड हैबिट आपको मैं अपनी राइटिंग इतनी खूबसूरत है ना और दिखा दे तो फिर बच्चे ना उठा के फेंक दिए। देखो एक मिनट देखो भाई को बैड हैबिट होती है इसके मेरी राइटिंग दिखा। गाइस मेरी बात सुने, मेरे सिस्टर में ना ये होमवर्क लिखता रहता है चीचू चीचू चाचा घर में छुआ नाचा जुए ने एक बजाई चाचा के साथ घर के अरे नहीं एक मिनट देना नहीं बोल देना रानी बेटी एक मिनट देना। गाइस पहले मेरी बात सुने एक कर दूंगा ना मैं। गाइस मेरी बात सुने एक मिनट मैं आपको बता दूं मेरा नाम कितना अच्छा लिखा मैंने अच्छी रेटिंग लिखी है तुम्हारे मैं बताना मैं रेटिंग अच्छी लिखी है। गाइस मेरी बात सुने अभी हम मैंने आपको बताया बैट हैपीस कैसे होती है बैट हैपीस तुम कौन सी होती है बैट हैपीस आपको मैं तुम कौन सी होती है बैट हैपीस होती है ब्लैक टायर वाला लेके देते हैं तो ऊपर से वो बोलते हैं शोर मचाते हैं जो परियों से आवाज देते शोर मचाते हैं। ओ, ये बैड हैबिट नहीं होती अभी आप सबको बता रही हो कि बैड हैबिट्स होती है और मम्मा बाप को बुला रही हैं बाप नाराज होके जा रही हो नहीं। अच्छा आप नहीं बोलता आप बोले बोले चलो मेरी राइटिंग देखिए आप बोले इतनी देर वो राइटिंग देख रहे मेरी बात में बैड हैबिट और गुड है मम्मा ना तो मम्मा बाप का ये बैड टेरोल लेके देते तो वो नहीं चाहते बोलते कि हमने ये बैड नहीं लेना उसको दोबारा से लेके चलो उस दुकान में ट्रैफिक दो और साथ में ना ये मम्मा बाप की बात ना को मानना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है काऊ भाई ये काऊ है ये काऊ नहीं है ये गाइना ने अपनी जोड़ की लगी इसीलिए मैं चेन निकाल दिया और अपने चाय चाय
मैं अपने बेटे को देती हूँ। जी सुन लिया मैम। अच्छा हमारे छोटे राजू को सब यही समझते हैं ये लड़की है, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा है, उसमें भी ये डॉक्टर्स और पेशेंट्स वगैरह जो भी थे तो साथ रहते हैं। आपकी बेटी कितनी प्यारी है ये देखिए मोहम्मद हसन, ये हसन की राइटिंग है, बहुत प्यारी बहुत प्यारी है। हसन बस कर दे दो, हसन बहन की दे दो कॉपी रजिस्टर, या बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स के लेक्चर्स दे रही थी और आपको लड़ाइयाँ कर रही है। सब लोग हम ये पे रहेंगे तो वीडियो को लाइक करना, को सब्सक्राइब करना ना करना भूलना, दो में याद करना। अल्लाह चले हसन आपके पास। हसन अब नाराज क्यों हो जाते हैं हर बात आपके मान मान के, देख सकते हैं गाइस ये हसन की हर बात हम लोग मानते रहते हैं, हसन का मुंह फिर भी गुब्बारे की तरह सूज जाता है जैसा बैलून इसी का मुंह है। चले हसन चले ब्लॉग एंड करें बेटा। ये देखना आज का लोग। अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद।